Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the distinguish between managing directors and managers. जैसे हमने key manager persona के अंदर देखा था कि कंपनी में या तो managing director हो सकते हैं या तो managers हो सकते हैं, तो इस तरीके से ये दोनों का भी यहाँ पे distinguish हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग मीनिंग से शुरू करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो जो भी कंपनी का बोर्ड होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को मैनेजिंग डायरेक्टर्स बोला जाता है, और ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं। मतलब कंपनी में सपोज 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें के सारे जो डायरेक्टर्स है वो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सपोज उसमें से 4 लोग कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं, तो ये 4 लोगों को मैनेजिंग डायरेक्टर बोला जाता है। और ये 4 लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है 10, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी में, उनके बिहाफ पे वो लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स बोला जाता है, और ये कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं। नाउ मैनेजर जो होते हैं वो कंपनी के पर्सन इंचार्ज होते हैं, जिनके पास कंपनी का पूरा या फिर सब्सटेंशियल मतलब मैक्सिमम जो मैनेजमेंट होता है कंपनी के अफेयर्स का वो हैंडल करने का पावर होता है। ओके, सो ये कंपनी के पर्सन इंचार्ज है जो कंपनी के मैक्सिमम अफेयर्स को हैंडल करते हैं। सेकेंड है पावर। नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं इनके पास सब्सटेंशियल पावर होते हैं मैनेजमेंट के, मतलब काफी ज्यादा पावर्स होते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए। फिर बाद में मैनेजर जो होते हैं इनके पास होल या सब्सटेंशियल पावर होते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए, मतलब पूरा का पूरा पावर उनके पास हो सकता है या सब्सटेंशियल मतलब मैक्सिमम पावर उनके पास हो सकता है। तो इनके पास सब्सटेंशियल पावर है, इनके पास होल या सब्सटेंशियल पावर है कंपनी को मैनेज करने के लिए। नाउ पोजीशन हेड, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स होना कंपलसरी है, लेकिन मैनेजर्स कंपनी के डायरेक्टर होना कंपलसरी नहीं है। तो बिना डायरेक्टरशिप के कंपनी के मैनेजर बना जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पोस्ट। नाउ एक से ज्यादा कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैनेजर जो होते हैं वो कंपनी में एक ही हो सकते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, मैनेजर जो होते हैं ओनली एक ही होते हैं। अपॉइंटमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए या तो कंपनी के बीच में और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट बन सकता है, या कंपनी के जनरल मीटिंग में या बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके इनको अपॉइंट किया जा सकता है, या कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के हिसाब से इनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये 3 चीजों के बेसिस पे यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है, मतलब ये 3 में से किसी भी एक बेसिस पे। मैनेजर जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है, मतलब कंपनी और मैनेजर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, एक एग्रीमेंट बनता है, उसके बेसिस पे इनको अपॉइंट किया जाता है। फिर रेम्युनरेशन। नाउ यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनको मैक्सिमम रेम्युनरेशन या मैक्सिमम जो कंपनी पे करती है उनके कामकाज के लिए वो होता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो उन्होंने जो भी कंपनी को सर्विस दी है, जो भी कंपनी के लिए उन्होंने काम किया है, उसके लिए कंपनी उनको मैक्सिमम 10% नेट प्रॉफिट में शेयर देती है, और मैनेजर्स को 5% शेयर मिलता है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पे 10% शेयर है मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए और 5% शेयर है मैनेजर्स के लिए, और ये शेयर जो होता है नेट प्रॉफिट में दिया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।